और जिन विद्यार्थियों का 3 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते थे 3rd ईयर वाले विद्यार्थियों को, उनका भी रिजल्ट का स्टेटस का अपडेट हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर जून 2020 2021 एग्जाम रिजल्ट, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देखते हैं जून 2021 मतलब 8 सितंबर 2021 का अपडेट है। जिन विद्यार्थियों का 3 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में जो 3rd ईयर वाले विद्यार्थी जिनका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उन विद्यार्थियों का, तो सिंपली आपको करना है कि यहाँ पर 10 डिजिट का एनरोल नंबर मैंशन करना हो। जैसे आप एनरोल नंबर मैंशन करते हो, सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना हो। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपका स्टेटस हो जाएगा। अगर आपका स्टेटस अपडेट नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट अपडेट में अपडेट हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए आपका नेक्स्ट अपडेट की, नेक्स्ट अपडेट आपका ग्रेड का स्टेटस और रिवोल्यूशन स्टेटस। तो सबसे पहले मैं ग्रेड कार्ड स्टेटस चेक करके बता रहा हूँ। सिंपली आपको उसके जस्ट ट्रमेंट एग्जामिनेशन के नीचे आपको ग्रेड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, तो सिंपली आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा। जैसे आप पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा BCA MCA MP MPB PGT CA, फिर उसके बाद BDP BA BCOM, फिर उसके बाद अनदर। अगर आप इसमें ऐसा कोई सा भी नहीं है तो आप थर्ड वाले लिंक यूज़ कर सकते हो, तो मैं फर्स्ट वाले लिंक यूज़ करके दिखा दूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो सिंपली आपको करना है क्योंकि यहाँ पर आपको सिलेक्ट प्रोग्राम करना होगा। जैसे आप सिलेक्ट प्रोग्राम करते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर एनरोल नंबर मैंशन कर, जो आप 10 डिजिट का होता है। जैसे आप एनरोल नंबर मैंशन करते हो, सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपका स्टेटस का अपडेट हो जाएगा। वहीं अगर बात की आपका रिवोल्यूशन की, अगर आपने दिसंबर 2020 सेशन में या फिर अगस्त 2021 सेशन में, जून 2021 सेशन में रिवोल्यूशन का फॉर्म फिल किया होगा, तो उसका स्टेटस अपडेट हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर रिवोल्यूशन का ऑप्शन आएगा। सिंपली जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करता, सिंपली आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना। जैसे आप पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका रिवोल्यूशन दिसंबर 2020। तो इट मीन्स 2020 सेशन का रिवोल्यूशन का स्टेटस अपडेट हुआ पड़ा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर 8 सितंबर 2021 की अपडेट है। तो सिंपली आपको एनरोल नंबर मैंशन करना होगा, एनरोल नंबर जो 10 डिजिट का होता है। जैसे आप एनरोल नंबर मैंशन करते हो, सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपका स्टेटस का अपडेट हो जाएगा। मैं बात करूँ तो आपका जो एग्जाम पैटर्न होने वाला दिसंबर 2021 सेशन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों को किस मोड में कंडक्ट किया जाएगा, क्या आपके एग्जाम OBE मोड में कंडक्ट किए जाएंगे अगर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो, क्योंकि COVID-19 से दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रही है। बट यहाँ पर एक और सिचुएशन है, ये सिचुएशन ये थर्ड वेव क्या फिर से एक बार आने वाली है और आ भी रही है। बहुत सारे मतलब स्टूडेंटों पर, छोटे बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जिस कारण क्या हो सकता है कि दिल्ली में फिर से एक बार के स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। बट यहाँ पर इग्नू की बात कीजिए, इग्नू जैसे कि हम सब जानते हैं एक साथ एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो इस बार हो सकता है कि आपके एग्जाम या फिर आपको असाइनमेंट बेस के थ्रू 2020 सेशन की तरह आपको प्रमोट किया जाए। बट यहाँ पर अगर आप प्रमोट किया जाता है तो आपको असाइनमेंट बेस में 70% मार्क्स के बेस पर, इसमें से आपको क्या 33% अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग के मार्क्स लाने जरूरी है, कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, फिर आपका असाइनमेंट सबमिट किया था आप रिजेक्ट हो गए किसी कारणवश, ये हो सकता है हैंड राइटिंग ना मैच के कारण, या फिर आपका एनरोल नंबर गलत होने के कारण, प्रोग्राम कोड गलत होने के कारण, बहुत सारे रीजन है जिस कारण कि आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया। अगर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो गया तो आप क्या रीसबमिट कर सकते हो अपनी हार्ड कॉपी अपने रिव्यू सेंटर पर जाकर। और यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि UGC ने साफ साफ कह रखा है, अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी UGC की तरफ से, उसमें साफ साफ कहा गया था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों को आपके एग्जाम हो सकता है कि अगर आपका कंडक्ट किए जाते हैं तो OBE मोड में एग्जाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे। उसमें भी एक सिचुएशन है कि अगर आपका OBE मोड में कंडक्ट किया जाएगा तो उसमें आपको जो पैटर्न रहेगा, आपका हॉल टिकट DCET सब चीज़ आपके क्या ignu.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, प्लस में आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा इस दौरान के आपको क्या आपके एग्ज़ाम मतलब फिनिश करना होगा, ठीक है। तो ये टाइम ड्यूरेशन होगा, बट यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले पहुँचेगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और अपने सारे दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करवा दो प्लीज़, हमारा रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।